अलीगढ़ के सर्किट हाउस में आज नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नगर विकास मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मंत्री ने अपने विभाग के कामकाज की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया है। सरकार ने 86 लाख सीमांत किसानों का ऋण माफ किया है और 12,530 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान भी हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना के लिए भी 602 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। योगी जी के नेतृत्व में पिछले 3 महीने 100 दिन में जो कार्य हुआ है, अभूतपूर्व कार्य हुआ है और आने वाले 5 साल में हम उनके नेतृत्व में इस राज्य को नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में विकसित करके नया एक राज्य, एक आधुनिक राज्य बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले 5 सालों में आपने देखा होगा कि इस साल का जो बजट था वो 6 लाख से ऊपर का, 6.25 लाख के लगभग करोड़ रुपए का पहली बार इतना बड़ा बजट पेश किया गया है। ये एक इंडिकेशन है, ये एक रोड मैप है कि हम एक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने, अर्थव्यवस्था बनने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी नेम है कि हम $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को बनाएंगे आने वाले 5 सालों में, हम उस दिशा में मार्च कर चुके हैं, हम उस दिशा में चल पड़े हैं।